नमस्कार दोस्तों, कृष्णा यश में आपका स्वागत है। और आज स्पेशली हम बात करेंगे बीपीएससी 67 के बारे में, राइट? तो जो लोग बीपीएससी 67 का तैयारी कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी 67 की तैयारी कर रहे हैं, और चूंकि इसका शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो कई लोग निराश भी हैं। इस बीच बीपीएससी ने 66th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट दिया और उसमें कई लोग क्वालिफाई किए, और स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी विषय के अंतर्गत कई लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, राइट? 170, 178, 80, और कुछ लोगों को मार्क्स खराब मिले हैं, राइट? और जब जब रिजल्ट आता है तो उस समय स्टूडेंट मार्क्स का इवैल्यूएशन करने लगते हैं, राइट? एक नई चर्चा बीपीएससी में ये आ रही है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी बहुत ही प्रभावी होते जा रहे हैं। मैंने आज से 3-4 वर्ष पहले ही ये कहा था कि हिंदी माध्यम के अगर विद्यार्थी अपने स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करेंगे तो ना केवल यूपीएससी में उनकी रिजल्ट कम हो रही है बल्कि स्टेट पीसीएस में भी उनकी रिजल्ट कम हो जाएगी, राइट? और वो अब दिखने लगा है, राइट? के स्टेट पीसीएस में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चों का रिजल्ट भी हो रहा है, लेकिन कुछ बुनियादी फर्क है। देखिए, बुनियादी फर्क जो है, बुनियादी जो मेन फर्क है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, कैसे इम्प्रूव करेंगे, है ना? हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को भी 170 मार्क्स एंथ्रोपोलॉजी में मिला है, मेरे ही स्टूडेंट को मिला है, राइट? तो उसे क्यों मिला? उसे एंथ्रोपोलॉजी में, इसके पहले 190 मार्क्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को एंथ्रोपोलॉजी में मिला, तो विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम में भी है वो एंथ्रोपोलॉजी में 190 नंबर ला रहा है, और कई इंग्लिश वाले को भी कम है, 150 से 55 है। तो अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पूरी तरह से सीरियस हैं, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा को पास करने में, राइट? और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए। स्पेशली जो लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी माध्यम में हो या इंग्लिश माध्यम में हो, राइट? एक तो सिस्टमेटिक पूरे टॉपिक की तैयारी होनी चाहिए, कंटेंट आपकी बेहतर होनी चाहिए, और ये तो आसानी पूर्वक उपलब्ध हो जाती है, राइट? लेकिन तीसरा जो एंगल है, अधिकांश लोग नहीं करते हैं। मुझे याद है कि जब 66th एग्ज़ाम हो रहा था तो चूंकि उस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी, तो ऑनलाइन क्लास में मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, मैंने उन्हें कहा कि अब मैं लाइव क्लास दे रहा हूँ, और उस लाइव क्लास के अंतर्गत हम लोग मेन फोकस करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट इन राइट डायरेक्शन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप पास करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आंसर राइटिंग, हाउ टू राइट आंसर, राइट? और मुझे याद है कि मतलब 5-7 क्लास के बाद अधिकांश छात्रों ने कहा कि सर आप इसको वीडियो बना करके अपलोड कर दीजिए, ऐप पर हम लोग देख लेंगे, लाइक तो
मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप इसे सीख सकते हो, लेकिन ज्यादातर छात्र व्यस्त हो गए, कंटेंट उन्हें रिमेम्बर नहीं था और आंसर राइटिंग कुछ ही लोगों ने किया जो सफल भी हो गया। तो मेरा कहना है कि अगर आप किसी विषय की तैयारी करते हैं तो आंसर राइटिंग तो करनी चाहिए ना। अब देखिए 67th के अंतर्गत सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, राइट, चूंकि एक साल से पीटी ही नहीं हुई, तो कई लोग अभी ऑप्शनल की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, ना सीरियसली उसको ले रहे हैं, राइट, और वो सोचते हैं कि पीटी के बाद हम ऑप्शनल की तैयारी करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं और आंसर राइटिंग नहीं करने से उनको मार्क्स नहीं मिलता, राइट। तो जो मेरा मॉडल है, जो मैं कराता हूँ बीपीएससी के लिए, उसमें सबसे पहले जो बीपीएससी है इसमें और भी चैलेंज आपको बढ़ गया है। क्यों चैलेंज बढ़ गया है ध्यान रखिए, उस पर ध्यान आपका नहीं जाता होगा। अब कुछ चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी है, राइट। स्पष्ट रूप से क्या चीजें दिख रही है कि जो पहले बच्चे केवल यूपीएससी की तैयारी करते थे, केवल यूपीएससी की परीक्षा देते थे, वो स्टूडेंट अब स्टेट पीसीएस में भी बहुत ही सीरियसली एग्जाम दे रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना है। जो लोग केवल बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए कि अब उनका जो कंपिटिटर है, प्रतिद्वंदी है, उसमें यूपीएससी के भी विद्यार्थी हैं जो सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं, हमेशा सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं, उनके जीएस भी वो बीपीएससी की तैयारी भी सीरियसली कर रहे हैं, राइट। तो जो लोग केवल बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको स्ट्रेन को सीरियस लेना है, राइट, अदरवाइज फिर आपको समस्या होगी। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो कंटेंट होनी चाहिए वो पूरी तरह से अप टू डेट होनी चाहिए और स्तरीय होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप ये समझ रहे हैं कि बीपीएससी एक साल से पीटी नहीं ले रहा और हम एंथ्रोपोलॉजी एक छोटा विषय है और इसको हम पीटी के बाद भी कवर कर लेंगे और हम क्वालिफाई कर जाएंगे, कई लोग ऐसा कर लेते हैं, देखिए कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा कर लेते हैं कि बीपीएससी पीटी के बाद भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे 62वीं जो बीपीएससी थी उसमें एक रविशंकर प्रसाद, वो ये स्टेशन मास्टर थे, वो पीटी क्वालिफाई करके आए और एसडीएम उनका मिल गया। इसके पहले 59वीं में भी वो पीटी क्वालिफाई करके आए थे और एमयू मिल गया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पीटी के बाद आकर के तैयारी करके और पास कर जाते हैं, राइट। आपको अगर सिस्टमेटिक तैयारी करनी है और खासकर एंथ्रोपोलॉजी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूर है कि ये विषय जो बीपीएससी का आपका सिलेबस से बहुत कम है, बहुत सॉलिड है, इसकी तैयारी 1.5 महीने में हो जाती है। लेकिन तैयारी होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप कंटेंट को जानें, सब्जेक्ट मैटर को परिचित हूँ, राइट। एक 1.5 महीना में आप बीपीएससी के पूरे सिलेबस, पूरे कंटेंट को आप जान सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा और इसीलिए ज़्यादा रिजल्ट आता है, एक पहलू तो ये है। लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो तैयारी होती है सिविल सेवा की, उसमें जो आंसर राइटिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है,
क्योंकि बिना आंसर राइटिंग का इस बात की जानकारी नहीं हो सकती है कि आपने जो कंटेंट डेवलप किया, जो कंटेंट आपने तैयार किया, वो कंटेंट प्रश्नों के अनुरूप है या नहीं है, राइट? या प्रश्नों के आंसर राइटिंग में आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और आंसर राइटिंग हमेशा जब तक आप पे एक्सपीरियंस टीचर के अंदर में नहीं करते हैं, डेडिकेटेड टीचर के अंदर में नहीं करते हैं, तो फिर आप इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है, राइट? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उस आंसर राइटिंग में हमारे पास कई बेहतर विकल्प उपलब्ध होते हैं। यह बेहतर विकल्प की बात जो मैं कर रहा हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत आप प्रॉपर डायग्राम आप डाल सकते हैं, राइट? हिंदी मीडियम वाले लोग भी डायग्राम अच्छी तरह से आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं। मैं तो सिमिलर पढ़ाता ही हूँ, इंग्लिश मीडियम के जो कंटेंट होते हैं वही हिंदी मीडियम में होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो डायग्राम होते हैं वही हिंदी मीडियम में भी डायग्राम होते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी के आंसर राइटिंग में पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अधिकांश टॉपिक के लिए डायग्राम उपलब्ध है, राइट? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखना, लेकिन ये जब तक टीचर इवेल्युएट नहीं करेगा कि ये प्रॉपर डायग्राम है या नहीं है, आप नहीं समझ पाएंगे। दूसरा चीज है कि कई ऐसे टॉपिक है जिसमें मैप का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, वर्ल्ड के मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं और इंडिया के मैप का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। हम मैप के माध्यम से हम चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप केस स्टडी, राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर केस स्टडी हमें डालना चाहिए, हर टॉपिक में डालना चाहिए। और इसके अलावा फ्लो चार्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको ये चीज़ सीखना है कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, राइट? कैसे कंक्लूजन लिखेंगे। और ये प्रैक्टिस टाइम टेकिंग है, इसलिए आप पीटी की तैयारी करते रहें, वेट नहीं करें मेंस की तैयारी के लिए। अगर एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं और जो लोग बिहार में है, दिल्ली आ नहीं सकते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा है और आप हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं और उसमें सारी सुविधाएं हैं, राइट, जो ऑफलाइन को दी जा रही है, सारी सुविधाएं हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग कोर्स और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग कोर्स है उसमें। और साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी राइटिंग कैपेसिटी को। और देन हम मानते हैं कि आप अवश्य सफल हो जाएंगे, राइट? तो जो लोग भी दिल्ली नहीं आ सकते हैं वो लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप कृष्णास आईएएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। और जो लोग दिल्ली में हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली, ठीक है, करोलबाग के पास ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली सेंटर पर आकर के जो है, अगर उनको फाउंडेशन में जुड़ना है या फिर आंसर राइटिंग करनी है तो आप जुड़ सकते हैं और इम्प्रूव करें अपनी चीज़ों को, क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो जाए। थैंक यू।